हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का दूसरा वीडियो बना रहा हूं रिगार्डिंग द 10 रिंग टूर्नामेंट्स। और इसका ही आज हम ख़त्म करेंगे गाइस। इसका आप जैसे देख रहे हैं अरीना आया हुआ है। मैं अपने रिवॉर्ड्स करके क्लेम कर दूँ फटाफट। अरीना से मैंने ब्राउन वाली रिंग भी ले ली है। अब मुझे शैंग ची को कलेक्ट करना है एक बार। और उसका कहाँ गया, हाँ ये रहा, शैंग ची को कलेक्ट करना है एक बार। इसका आपने अगर ट्रेलर नहीं देखा तो मैं नीचे डाल दूंगा इसमें अपने क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में। आप वो लिंक यूज़ करके जा सकते हैं और ट्रेलर देख सकते हैं। काफ़ी फाड़ मूवी लग रही है। कुंफू वुंफू होगा, मार्शल आर्ट्स काफ़ी उसमें, और मज़ा आएगा। आई थिंक इसी साल रिलीज़ हो रही है। तो शैंग ची मिल चुका है हमें गाइज। और स्पेशल अगर हम जाके देखें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स करने हैं वो एक एक करके करते हैं गाइज। एंड हम करेंगे लेजेंडरी डिफ़िकल्टी आज के इस वीडियो में और देखते हैं हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे गाइज। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम करते हैं लेवलिंग अप ऑफ शैंग ची। 3-स्टार स्किल चैम्पियन है। स्किल एंड लेवल अप में कौन से हैं मेरे पास? शैंग ची नीचे दिख रहा होगा कहीं, यहाँ पे अगर दिख गया। टेनरिंग टूर्नामेंट्स काफ़ी लोगों के लिए एक्साइटिंग है क्योंकि इस महीने दो आपको 5-स्टार क्रिस्टल्स मिलेंगे एंड चांस, गारंटीड चांस कि आपको क्या स्किल चैम्पियन मिलेगा कोई बढ़िया, और एगॉन भी मिल सकता है बॉयज। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अगर मुझे मिलता है इस वाले अकाउंट में तो उसका मेरा सिग्नेचर लेवल काफ़ी 100 से ऊपर चल जाएगा शायद, एंड आई कैन बी वेरी क्लोज टू बी लाइक रैंकिंग अप, सॉरी स्टार्टिंग डूइंग द अबेस ऑल्सो गाइज। तो फटाफट से इसको रैंक अप करते हैं, और इसको रैंक अप करने से भी हमें माइलस्टोन के रिवॉर्ड्स मिलेंगे आई बिलीव। फटाफट ले लेते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं आईसो में, और इसको ले जाते हैं मैक्स लेवल पे। मुझे टेक की ज़्यादा ज़रूरत है वैसे एक्चुअली, बट थोड़े बहुत डाल देते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। गोल्ड भी मेरे पास बहुत है तो उसकी टेंशन नहीं है मुझे। जैसे कि आपको पता है मैं लेवल अप इवेंट में ही मैक्स आउट करता हूँ सारे चैंप्स अपने, जिसको भी लेवल अप या रैंक अप करना चाहिए, और आपको भी वही गाइड करूँगा कि आप भी वही करें गाइज। अब देखते हैं और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। रैंक 3-4 का जैम पड़ा है मेरे पास, थैंकफुली वो यूज़ कर लेते हैं। वैसे मेरे पास रिसोर्सेज भी थे शैंग ची को लेवल अप करने के लिए गाइज। फटाफट लेवल 13 पे पहुंच चुका है। 2 मिनट हो चुके हैं वीडियो में। आई विल ट्राई टू फिनिश लेजेंडरी डिफ़िकल्टी। आई थिंक एपिक डिफ़िकल्टी में भी 250 रिवॉर्ड्स हैं, तो उसमें भी आपको एक 5-स्टार चैम्पियन मिलेगा, और इसमें भी लेजेंडरी डिफ़िकल्टी में भी मिलेगा। तो 2 5-स्टार आपके पास गाइज चैम्पियन मिलेंगे इस महीने, एंड आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला है कि वाई आर कि दूसरा चैप्टर क्यों लॉक्ड है इस 10 रिंग्स टूर्नामेंट का। तो गाइज सिंपल आंसर है कि जैसे मैंने अपने वीडियो एक्सप्लेनेशन के वीडियो में बताया था, इवेंट क्वेस्ट के एक्सप्लेनेशन वीडियो में, उसमें मैंने ये बताया था कि हर वीक खुलेगा चैप्टर और आप तब तक सारी डिफ़िकल्टी एक हफ्ते में निपटाइए अपनी जा के सेपरेटली गाइस। और इसमें एक एनर्जी यूज़ होगी हर हफ्ते। तो सीधा चलते हैं लेजेंडरी डिफ़िकल्टी में। इसके लिए आपको ज़्यादा बड़ा रोस्टर नहीं चाहिए, थैंकफुली कबैम ने बहुत ईजी सा बनाया है इस बार साइड क्वेस्ट। एक बस हमें मिस्टिक चैम्पियन चाहिए होगा बॉस के लिए, वो मैंने रख लिया है, और कलोसस भी रख लेते हैं। आई थिंक कलोसस रखते हैं, ये एंजेला रख लेते हैं, ह्यूमन टॉर्च भी रख लेते हैं गाइस। फुल अपनी ए टीम के साथ जा रहा हूँ मैं, एंड कोशिश करते हैं इसको फटाफट निपटा दें। कुछ ज़्यादा मुश्किल नोड्स हैं नहीं इसमें, इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन इट। अच्छा, मैंने सिल्वर की क्लेम नहीं की क्या शायद अभी, वो भी क्लेम कर लेते हैं जाके फटाफट। ओके, उसके क्लेम करना पड़ेगा। रैंक अप हो चुका है तो मेरा अब क्या है, विन 10 फाइट्स, वो वाला बाद में करेंगे गाइस। सो फर्स्ट फाइट इज ड्रैक्स। ड्रैक्स के लिए हम लेके जाएंगे एंजेला, क्योंकि एंजेला से मेरे को बहुत मज़ा आता है खेलने में गाइस। एंड लेट्स यूज़र, जब ये स्पेशल वन पे पहुंचती है तो उसको एक फ्यूरी मिलती है, और हर स्पेशल अटैक में शी कैन डील आर्मर ब्रेक। अच्छा, थोड़ी सी चोट लग गई, मेरे एक्चुअली नेल्स काफ़ी बड़े हुए हैं।
तो उस चक्कर में मैं इवेड नहीं कर पा रहा, आज मैंने नोटिस किया, तो आई विल हैव टू कट माई नेल्स गाइज। इसका स्पेशल वन दे देते हैं क्योंकि एक और फ्यूरी मिलेगी जैसी पहुंचेगी, ये तगड़ी तगड़ी हो जाएगी। और करते हैं पैरी, दो तीन फ्यूरी आ चुकी हैं गाइज अब मेरे पास। इसको करो इवेड, आई थिंक अ वेरी बेसिक फाइट, एंड ही इज ड्रैक्स इज डाउन गाइज। और जैसे कि आपने मेरे मेन अकाउंट के वीडियो में देखा था, उसमें पहले वाले क्वेस्ट में आपको मिलेगा नेक्सस क्रिस्टल जो सिल्वर वाले की रिंग के पाथ में आता है, और दूसरे चैप्टर में आपको आई बिलीव मैंने मैंने तब तक की अनलॉक नहीं की थी, पर दूसरे चैप्टर में आपको मिलेगा गाइज आई थिंक 5 स्टार क्रिस्टल, वो भी देखते हैं आज अभी इसी लेजेंडरी वीडियो में। और हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे, एपिक और क्या बोलते हैं सारी सारी डिफिकल्टीज देखेंगे कि क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं गाइज। बेस्ट इसके लिए काउंटर मैग्नेटो के लिए मेरे को तो ह्यूमन टॉर्च ही लगता है, क्योंकि एनर्जी डैमेज देता है तो मेरे स्मोल्डर्स बहुत बढ़ जाते हैं, और अब आप देख रहे हैं मैं उस लेवल पे भी आ गया हूँ। ओके, खुद ही अपने आप को मरवा लेगा। मैं स्पेशल 2 देता हूँ ताकि हील रिजेन हो। ओके, 66% हेल्थ हो गई मेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ वेरी सिंपल फाइट। थोड़ी बहुत गलती भी करोगे तब भी हो जाएगा गाइस। लेट्स गो टू दिस की एंड सी, हमें हमें पता है कि यहाँ पे लेजेंडरी क्रिस्टल है नेक्सस, विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। लेट्स गो विद एंजेला एंड सी कितनी जल्दी इस फाइट को हम ले पाते हैं गाइस। एंटमैन इज़ अ लिटिल अनॉइंग क्योंकि ये इसमें ग्लांसिंग का फीचर होता है इसमें। अब शायद बफ भी होने वाला है, क्योंकि अगर आपने कबाम फोरम में जाके देखा है, वहाँ पे वोटिंग चल रही है कि कौन से चैम्पियन को बफ करना चाहिए, और सारी जनता ने एंटमैन को ही वोट दिया है, काफ़ी जनता ने, मैंने भी एंटमैन को दिया है, क्योंकि मेरे पास घोस्ट भी है, वॉस्प भी है, एंड आई हैव आई जस्ट डोंट हैव ओडेन, मेरे पास होड भी है 5 एंड 6 स्टार दोनों में। तो आई थिंक घोस्ट विल बिकम रियली डेंजरस गाइज। सो देखते हैं उस बफ से क्या करेंगे एंटमैन को, उसकी ग्लांसिंग एबिलिटी कम करेंगे कि नहीं, क्योंकि थोड़ी सी अनॉइंग है। अब यहाँ पे कमैम बोलेगा कि आपको एक बार ही रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हो, बार बार नहीं, तो अक्नॉलेज कर लिया हमने वो। और चलते हैं बॉस फाइट में, जिसमें कि गाइस लेजेंडरी डिफ़िकल्टी में नोड्स हैं बफ ड्यूरेशन की, उसके बफ ज़्यादा लास्ट करेंगे, और जब मैन स्ट्रक डिफेंडर को फ्यूरी मिलने का चांस है, और टेनेस्टी की वो पैरी स्टन हटा देगी, या कोई भी ब्लेड पॉइजन अपने ऊपर से एकदम से हटा देगी गाइस फीनिक्स। और देख रहे हैं टेनेस्टी आया एंड शी रिमूव्ड द क्या बोलते हैं बफ अपॉन हर। अब मैं पॉइजन नोड में चले गया हूँ ताकि इसका पावर कंट्रोल कर पाऊँ, बहुत अनोइंग होती है ये पावर के साथ अपनी। लेट्स गो। ओके, थोड़ा सा उसने मेरे को इंटरसेप्ट कर दिया, और मैं अपना स्पेशल 2 देता हूँ अब एंड कोशिश करता हूँ। ओह, टेनेस्टी से उसने मेरा वो वाला भी हटा दिया, बफ इम्यूनिटी वाला भी, दैट इज़ वेरी वेरी अनोइंग। कोई नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं, फिर से हटा दिया उसने, पॉइजन अभी भी लगा हुआ है उस पर फॉर्चुनेटली। कोशिश करते हैं कि लगाने की कोशिश करें एक और बार बफ इम्यूनिटी गाइज, एंड अब लगा हुआ है वो, टेनेस्टी से हटा नहीं पा रही, सो आई एम श्योर शी विल नॉट बी एबल टू रीजेन ऑल्सो। हाँ, 1% पे ही अटकी हुई है एंड शी इज डेड गाइज। सो वेरी सिंपल फाइट विद क्लेयरवॉयंट, पर कोई भी 4 स्टार चैंपियन इसको बहुत आराम से हरा देगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट फाइट गाइज। इसमें आपको मिलता है एक स्किल का सिग्नेचर स्टोन और 10,000 गोल्ड, नॉट दैट बैड। अब आप देख रहे हैं दूसरा वाला जो है क्वेस्ट, उसमें ब्राउन रिंग लगेगी, और अगर आप कन्फ्यूज हैं ब्राउन रिंग कहाँ से मिलेगी और आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि ब्राउन रिंग के लिए आपको जाना है, और अरीना माइलस्टोन में पहला लेवल है ब्राउन रिंग हासिल करने के लिए गाइस। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाले में ही आया हुआ है ब्राउन रिंग, ये वाला अरीना है जिसमें है ले ताए है इसका नाम। आप जाके ये कर लीजिए और अपनी ब्राउन रिंग कलेक्ट कर लीजिए, यू विल बी एबल टू डील विद दिस वेरी इजिली बॉयज।
नेक्स्ट क्वेस्ट में गाइस आई थिंक बॉस कौन है? बॉस है वल्चर, जो बहुत ही इजी है। और इसमें पहली फाइट आती है राइनो की, जो मेरे को गंदा लगता है बड़ा, बट आई एम प्रेटी श्योर आई विल बी एबल टू डील विद हिम वेरी इजीली, क्योंकि बस होप करते हैं कि वो ज़्यादा अनब्लॉकेबल ना हो। और बस अनस्टॉपेबल होता है तब भी पैरी कर पाते हो आप अनस्टॉपेबल में। ये देखिए अनब्लॉकेबल हो गया वो, कभी कभी हो जाता है। अपना स्पेशल वन देते हैं ताकि हमें बढ़िया वाली फ्यूरी मिले, और इसका स्पेशल इवेट करते हैं। और कॉर्नर में अगर आप इसको लॉक रखोगे तो आपको उसके अनब्लॉकेबल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसको मारते रहो तो आई थिंक वेरी इजिली ही विल डाई। और आप देख रहे हैं 25 से हिट भी नहीं लगे एंड ही इज डेड। और ये लेजेंडरी डिफिकल्टी है गाइस, कैन यू बिलीव इट? कोई नहीं, अब सीधा जाते हैं कार्नाक की तरफ। हमें चाहिए ब्राउन रिंग का गिफ्ट, जिसमें जिसमें आई बिलीव 5 स्टार फीचर्ड, 5 स्टार का क्रिस्टल है, स्किल वाला, जिसमें एगॉन मिलने के सबसे हाई चांसेस हैं। अगर एगॉन नहीं मिलेगा तो स्पाइडरमैन स्टेल्थ मिल सकता है गाइज, आपको ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन मिल सकती है उसमें। और भी कुछ कुछ अच्छे चैंपियंस हैं और कुछ बेकार चैंपियंस भी हैं, लाइक आई थिंक कार्नाक है शायद उसमें, बट ब्लैक पैंथर भी है बफ्ड, ब्लैक पैंथर वो गंदा वाला भी है। सो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि दो आपको फीच गारंटीड 5 स्टार मिलेंगे गाइज, और आपको मिलेगा कैवेलियर शार्ड्स तो मिलेंगे ही काफ़ी सारे फ्रॉम डूइंग सोलो ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था गाइज। ओके आई थिंक अब सीधा चलते हैं कमोरा की तरफ, इसको जल्दी से हराते हैं और कलेक्ट करते हैं अपना रिवॉर्ड। कबाम को ऐसे नहीं रखना चाहिए, आई थिंक ज़्यादा मज़ा आता इफ दे वुड हैव जस्ट शोन दिस 5 स्टार का क्रिस्टल वहाँ पे रखा होता तो और ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता मेरे हिसाब से, रादर देन इट बीइंग सरप्राइज, क्योंकि पहले से ही एक्साइटेड हो जाते हम। अब तो सबको पता है वैसे कि वहाँ पे 5 स्टार क्रिस्टल पड़ा हुआ है, बट लेट्स जस्ट सी कि हमें क्या मिलता है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं वीकली ही क्रिस्टल ओपनिंग करूँ कि मंथ एंड में करूँ, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, बट कोई नहीं कोई नहीं। आई आई थिंक मंथ एंड इज़ बेटर, क्योंकि तब सारे क्रिस्टल एक साथ खुल सकते हैं, स्पेशल 3 देते हैं, एंड हाँ तब मज़ा भी आता है इतने सारे क्रिस्टल खोलने में। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आता होगा कि ज़्यादा 5 स्टार और 6 स्टार क्रिस्टल ओपनिंग देखें आप लोग एक साथ। आई थिंक थोड़ा ऑर्गेनाइज भी होता है इतना, एक एक जब क्रिस्टल खोल लेते हो तो उसमें समझ नहीं आता कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिले हैं या नहीं। गाइज चैप्टर 1.2 का बॉस है वल्चर, और उसमें है हार्ड नॉक लाइफ। आजकल का मैम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गया है नोड, जिसमें आपको मिल अगर आप पैरी करोगे तो आपको डिसओरिएंट मिलता है, जिससे आपकी एबिलिट ब्लॉक एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है 15% से। और अगर आप रीपैरी करते रहोगे और 3-4 ले ली तो आपका डिफेंस बहुत ही वीक हो जाता है। दूसरा है कि बोथ अटैकर एंड डिफेंडर स्ट्राइक हैव 20% चांस टू इंसिनरेट। इम्यून है वल्चर, मतलब इम्यून नहीं है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है जैसे रेड हल्क करता है। और अब तो इसको कबैम ने बफ भी कर दिया है, मैंने अभी तक गेम प्ले किया नहीं या देखा भी नहीं, सो आई डोंट नो कि उसका कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। फेयर इज फेयर एक लास्ट नोट है, वेन एवर वन ऑफ द डिफेंडर बफ इज नलिफाइड द अटैकर पावर इज लॉक्ड। तो उसका अगर आप नलिफाई करोगे बफ तो आपका लॉक हो जाएगा पावर 20 सेकेंड के लिए, तो नलिफाई तो है ही नहीं एंजेला में फीचर। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पैरी ना करूँ एंड जस्ट ट्राई टू प्ले हिम लाइक स्टन इम्यून। अगर आप को नहीं आता तो इस वीडियो से थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिएगा कि इंटरसेप्ट कैसे करते हैं। जस्ट ट्राई कि पीछे जाइए आप, एंड जब भी वो अटैक करे ट्राई टू इंसिनरेट सॉरी अटैक इन टू हिम। अब इसके पास स्पेशल 2 है तो अभी मैं इंटरसेप्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, आई ट्राई टू जस्ट अवॉइड हिम। मैंने गलती से पैरी ले लिया, आई डिडंट वॉन्ट टू टेक पैरी। ओके ऑल राइट, उसने स्पेशल दे दिया अब अपना, वेरी नाइस। ओके
एक और इंटरसेप्ट शानदार सा किया मैंने, अब उसका स्पेशल इवेड करते हैं, स्पेशल वन कोई नहीं देना चाहता, तो अब स्पेशल टू आ गया है, वो इवेड करते हैं गाइज। कम ऑन वल्चर, डोंट बी अ बैड बॉय एंड जस्ट गिव इट राइट नाउ। दे दिया उसने, और लास्ट में हम स्पेशल थ्री दे देंगे। ओके यार शेट, मेरे को लगा मैं उसको डैश बैक इंटरसेप्ट कर लूंगा, पर हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। कोई नहीं, हम चलते हैं गार्डियन के साथ गाइज। आई थिंक पेडी बेसिक फोर स्टार से भी हो जाता अगर आपके कॉर्वस ग्लेव टाइप का कोई बंदा है, तो उससे काफ़ी आराम से हो जाएगा। बहुत ही आराम से मारता है कॉर्वस, तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस गेम। एंड ये क्या शॉक इम्यून है? अच्छा, इसको कर दिया होगा शॉक इम्यून, मेरे को आइडिया नहीं था कि शॉक इम्यून। इसने स्पेशल वन दे दी, ऑलराइट। हाँ स्पेशल वन फिर से दे दी, कोई नहीं, गार्डियन से धीरे मर रहा है ये अनफॉर्चुनेटली। ये क्या था? 29,000 का हिट? ओह शिट, रियली? ऐसा कौन सा नोड है भाई, पता नहीं यार। कोई नहीं, नलिफाई करूंगा तो मैं पावर लॉक हो जाऊंगा, वो भी देख लेते हैं। बट पावर से क्या करना है, इसको बस पीटना ही है अब थोड़ी देर। हो गया। ऑलराइट गाइस, अब देखते हैं हमें 5-स्टार क्रिस्टल मिलता है कि नहीं, स्किल वाला, और मिल जाएगा आई बिलीव, इसमें ही था चेस्ट में। ऑलराइट, 5-स्टार क्रिस्टल है इसमें गाइस, और इसमें चांस है आपको मिलने का। एक ऑन नया वाला ब्लैक पैंथर, सिविल वॉर वाला ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो पुरानी वाली, ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन वाली, डेयर डेविल पुराना वाला, डेयर डेविल नया वाला, हेल्स किचन, इलेक्ट्रा, हॉकाई अच्छा है, कार्नैक बेकार है, किल मॉन्गर, रॉनिन ये इन्फिनिटी वॉर वाला, स्पाइडरमैन स्टेल्थ सूट जो बहुत बढ़िया है, स्क्विरल गर्ल जो सही है, और थॉर रैग्नारॉक जो बहुत बेकार है गाइज। आशा करता हूँ गाइज आपको आज का ये दूसरा वाला वीडियो भी पसंद आया। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, अलायंस मेम्बर्स, एवरी वन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।